आज मैं आपको एक ऐसी पावर दूंगा जिससे आप लोग हवा से एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और आप लोग ये बात जानते हो ना, आप हवा को छू सकते हो ना, आप हवा को देख सकते हो, पर फिर भी हम हवा को यूज करेंगे एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। अब मान लो मेरे पास एक गुब्बारा है और उस गुब्बारे के अंदर मैं हवा भरनी स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे मैं हवा भरता रहता हूँ। एक टाइम के बाद जब मेरा गुब्बारा लगभग पूरा भर चुका होता है और फिर मैं गुब्बारे को बांध देता हूँ। अब क्या होता है, इस गुब्बारे के अंदर अब हमारी होती है कंप्रेस्ड एयर, और जब कंप्रेस्ड एयर होती है एक्चुअल हमारी अब पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। और जैसे मैं गुब्बारे का जहाँ से पॉइंट मैंने हवा में भरा था इसको और वहाँ से रिलीज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। और अब अगर आप अपना हाथ लगाओगे उस हवा के सामने तो आपको थोड़ा सा फोर्स फील होएगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और अब यही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम में एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और मैं आपको कंपोनेंट भी समझाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम को बनाने के लिए। और मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट जो हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में लगा होता है वो होता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है उसको टैंक में ले जाकर। और कंप्रेसर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कंप्रेसर हमारा वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर को आगे इंक्रीज कर पाता है। अब कंप्रेसर इंडस्ट्री में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। दूसरा कंपोनेंट है हमारा आफ्टर कूलर का। अब होता क्या है, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं वॉल्यूम रिड्यूस करके, तो होता क्या, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एयर का, और इससे क्या होता है हमारी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस हीट को निकालने के लिए हम आफ्टर कूलर का यूज करते हैं। छोटे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर के ऊपर फिन्स लगी होती है, वो सफिशिएंट होते हैं इस एयर को कूल करने के लिए। बट जैसे हम बड़े सिस्टम की बात करते हैं या फिर जब हमें बड़ा लोड ऑपरेट करना है न्यूमेटिक सिस्टम से, तब हम आफ्टर कूलर का यूज करते हैं। पर इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये है कि जब हम हीटेड एयर को हम कूल करते हैं तो हमारी कंडेंसेशन होती है, और यहीं पे हमारा थर्ड कंपोनेंट काम आता है, वो होता है हमारा एयर ड्रायर का। अब एयर ड्रायर का काम ये होता है, इस कोल्ड एयर जो हमारी वेट एयर है इसको ड्राई करने का काम आता है। और अगर हमारी एयर हमारी मॉइस्ट होएगी तो दिस कैन आल्सो लीड टू करोजन, और टाइम के साथ हमारे जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स है वो जाम हो जाएंगे। इसलिए एयर को ड्राई करना बहुत जरूरी है। और आफ्टर कूलर और एयर ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्राइमरी एयर ट्रीटमेंट यूनिट। और इसके बाद हम ड्राई एयर को एक रिसीवर के अंदर भेजते हैं। रिसीवर एक बेसिकली एयर टैंक ही होता है जिसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करते हैं, और इस टैंक के कुछ ना कुछ प्रेशर की रेटिंग होती है कि जैसे इससे ज्यादा अगर हम प्रेशर इसके अंदर स्टोर करेंगे तो हमारा एक सेफ्टी रिलीफ वॉल्व भी लगा होता है जो ये देखता है कि हमारा जैसे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता है तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देता है। और एक और बात इसमें जानने वाली ये है कि जो कंप्रेसर का साइज होता है वो डिपेंड करता है हमारी लोड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि हम कितने ज्यादा इसके साथ एक्चुएटर्स मूव कर रहे हैं। आप इसमें देखोगे कि आपके एक्चुएटर्स भी लगेंगे इस एयर टैंक के बाद, और फिर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको कितने PSI का आपको टैंक सिलेक्ट करना है। अगला कंपोनेंट है हमारा फिल्टर्स का कंपोनेंट। और फिल्टर्स में क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में ऐसी बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी जिसको हमें हटाना है ताकि हमारे जो एक्चुएटर्स हैं वो मोर फ्रीली वर्क करें। और फिल्टर्स की क्लासिफिकेशन मेजरली माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रोन्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्मोक पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं और जो हमारे ऑयल पार्टिकल्स हैं वो 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली हमें फिल्टर्स को सिलेक्ट करना है कि हमें कितनी फाइन फिल्टरिंग चाहिए अपने प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए। और इसके बाद हमारी एयर जाती है हमारी लुब्रिकेशन पार्ट में, और होता क्या है, यहाँ पे हम ऑयल का ऐड करते हैं इन द मिस्ट फॉर्म, और फिर इससे क्या होता है जो हमारी जो एक्चुएटर्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इससे हमारे जो साइकिल का स्पीड होता है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। और काफ़ी जगहों पे हम देखेंगे कि लुब्रिकेशन ज़रूरी नहीं है, बट वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लुब्रिकेशन पार्ट को जरूर यूज़ करना जब भी आप न्यूमेटिक सिस्टम को डिज़ाइन करोगे। और इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्पोनेंट है वो है रेगुलेशन का कॉम्पोनेंट। और ये क्या करता है, ये हम जब प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम इस कॉम्पोनेंट का यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे जो लोड होते हैं, हमें पीछे से जो एयर आ रही थी वो होती है हमारी 5 PSI की एयर है, और जो हमारे एक्चुएटर्स है वो वर्क करते हैं 3 PSI पे। तो हम क्या करते हैं, हम रेगुलेशन पार्ट का यूज़ करते हैं और जो हमारी रिक्वायर्ड प्रेशर है हम उसको यूज़ करते हैं प्रेशर को सेट करने के लिए।
और ये हो गए हमारे तीन पार्ट्स, एक होता है फिल्टर, एक होता है रेगुलेटर और एक होता है लुब्रिकेटर। और जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे आप सुनोगे इसको FRL सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम को हम सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो जब भी आप इस डिवाइस को लेने जाओगे तो आपको एक FRL सिस्टम, एक कंप्लीट आपको एक सिंगल डिवाइस मिलेगा। अब जो हमारे पास एयर है वो हाईली क्लीन एयर और एक कोल्ड एयर है, और ये बहुत यूजफुल है हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में। इसके बाद जो हमारी एयर होती है वो हमारे कंट्रोल वॉल्व में जाती है, और कंट्रोल वॉल्व क्या करते हैं, वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं जिससे हमारे एक्चुएटर मूव कर पाए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा एक एक्चुएटर है, वो है मेरा एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है, और ये एक न्यूमेटिक सिलेंडर होता है। अब क्या होता है, ये हमारे लीनियर मोशन करता है, और इसके भी दो इनपुट्स होती है, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। अब जैसे ही मैं इनलेट साइड से मैं एयर फ्लो को देता हूँ, मेरा न्यूमेटिक सिलेंडर आगे की तरफ जाता है, और जैसे ही वहाँ से एयर निकलती है दूसरी साइड से, तो मेरा सिलेंडर अभी भी आगे वाली पोजीशन पे है। और जैसे ही मैं अगर फ्लो की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो मेरा न्यूमेटिक सिलेंडर ऐसे पीछे आ जाएगा। अब यही चीज़ हम कंट्रोल वॉल्व की मदद से करते हैं। आपको इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के कंट्रोल वॉल्व मिलते हैं, और इसमें मेजर पार्ट ये है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके सिम्बल्स कैसे बढ़ते हैं। सिम्बल्स की अंडरस्टैंडिंग में आपको ये समझना है कि उसमें दो चीज़ें होगी, पहला वाला पार्ट आपको ये बताएगा कि उसके नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या हैं, और दूसरा वाला पार्ट बताएगा कि उसकी नंबर ऑफ पोजीशन क्या है। इंडस्ट्री में एक्चुएटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हमारे एक लीनियर मोशन के एक्चुएटर हो सकते हैं, हमारे सर्कुलर मोशन के एक्चुएटर्स हो सकते हैं, वो सब डिपेंड करते हैं कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है। आप पहले पूरे प्रोसेस को समझोगे जब भी आप इसको यूज करोगे, जब आपको प्रोसेस समझ आएगा और आपको ये पता है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आपको यूज करने हैं, तब आपको ये समझना है कि आपको कॉम्पोनेंट्स की क्या साइजिंग करनी है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना है, और क्या आपको लोड ऑपरेट करना है, तभी आप एक राइट न्यूमेटिक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। और अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। और एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि न्यूमेटिक ट्रेनर किट है, और काफी सारे कॉम्पोनेंट इसमें लोड के हिसाब से नहीं लगाए। जैसे हम बड़ा लोड लगाएंगे तो आप देखोगे आपके कुछ कॉम्पोनेंट्स और ऐड हो जाते हैं, बट इस न्यूमेटिक किट में बेसिक कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है कि इसको कैसे हमें यूज करना है। तो ये पूरी न्यूमेटिक सिस्टम के किट है, इसमें सारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है न्यूमेटिक्स में जो यूज होता है। ये लर्निंग के लिए बेस्ट चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कंप्रेसर है, यहाँ पे एयर कंप्रेस होती है, इसमें मोटर लगी हुई है जो प्रेशराइज एयर करता है, और ये प्रेशर गेज, और प्रेशर गेज के थ्रू होके पाइप में। अब ये जो प्रेशराइज एयर है ये एयर टैंक में स्टोर होती है, ये एयर टैंक है, और ये होस, और ये पाइप के थ्रू प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कि यहीं पे बस थोड़ा प्रेशर रिलीज़ करना हो तो ये है, और पाइप के थ्रू ये जैसे जाता है ये पहले जाता है एक FRL सिस्टम में, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर। ये प्रेशर गेज है यहाँ पे, रेगुलेटर, ये फिल्टर है, ये रेगुलेटर है, और ये आउटपुट है उस पाइप का। ये जाता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में, हैंड लीवर टाइप है, इसको ऊपर नीचे करने से यहाँ पे फ्लो की डायरेक्शन चेंज करते हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पे पिस्टन लगे हुए हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर्स हैं ये तीनों, ये अलग अलग साइजेस में हैं। और अब इसकी हम ऑपरेशन देखते हैं। स्विच ऑन किया मैंने एयर कंप्रेसर का, ये पिस्टन है, मैंने जैसे इसको नीचे किया पिस्टन बाहर आया, ऊपर पिस्टन अंदर गया। ये इनपुट है पिस्टन का, और एक है आउटपुट पिस्टन में, एयर इनलेट और आउटलेट। ऊपर नीचे करने से बस फ्लो के डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक में इन हो रहा है एक एयर, और एक में आउट हो रहा है एयर। ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है, और इसी में के साथ हम देख पा रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो रहा है। आप लोग स्पैरो ऑटोमेट्स के चैनल पे हो, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऋषभ ने तो हमें ऑटोमेशन तो दिखाया ही नहीं, इसमें जो हमने प्रोसेस भी किया उसमें तो हमें मैनुअली लीवर को ऑन ऑफ करना पड़ा। पर ऑटोमेशन तो तब आएगा जब हम यहाँ पे सेंसर्स का यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा डिवाइस ही लगाएं वहाँ पे कि हमें ह्यूमन इंटरवेंशन हमारी लीस्ट होगी। तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेशन करना क्या है। अगर आप ये सोचो कि मैं कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करता हूँ तो वो भी एक मेथड है, बट इंडस्ट्री में इसको ऐसे किया नहीं जाता। हम क्या करते हैं, हम DCV जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, हम एक ऐसा लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करता है, और उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड वॉल्व। अब सोलेनोइड वॉल्व में हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो आगे हमारी डायरेक्शन चेंज हो पाती है फ्लो की। आप इसको इस तरह समझो कि जैसे मैं मैनुअल ऑपरेशन कर रहा था,
अब मैनुअल की जगह मैं यहाँ पे सेंसर से सिग्नल दे सकता हूँ। अब जो डीसीवी होती हैं उनके इनपुट में रेटिंग होती है कि 12 वोल्ट डीसी का सिग्नल देना है या 24 वोल्ट डीसी का सिग्नल देना है या 30 वोल्ट डीसी का सिग्नल देना है। आप ये सिग्नल पीएलसी से भी दे सकते हो। तो अब आप मेरे को ये बताना कि आपकी ऑटोमेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ऑटोमेशन में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिक कंसेप्ट आप देखोगे कि हर जगह वही रिपीटेटिव में यूज हो रहे हैं। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तो आप इनपुट साइड में पीएलसी भी यूज कर सकते हो और आप उसके साथ सेंसर भी यूज कर सकते हो और यही सिग्नल आप पीएलसी की रिले आउटपुट से सोलनॉइड वाल्व को देकर अपना न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझा पाऊं कि न्यूमेटिक सिस्टम में क्या चीजें जाननी होती है। और मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछना। कमेंट सेक्शन को मैं चाहता हूं कि एक डिस्कशन फोरम जैसा बन जाए और जिससे मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों की बस हेल्प कर पाऊं और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो मैं बस उसकी कोशिश कर पाऊं, उसके सलूशन निकाल पाऊं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना जिससे जो आने वाली वीडियोज है ऑटोमेशन की वो आपके पास सबसे पहले आए।